हेलो गाइस, ये है बोलिन बोलिन ब्लॉक का बोलिन ब्लॉक का ये वो है, ये विलेज जोरेंगो विलेज है। बोलिन ब्लॉक अंदर आता है, शियांग डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। ये है तो एक्चुअली यहाँ पे है, मैं आया हूँ कुछ 7 डेज सर्वे के लिए। विलेज यहाँ में क्या क्या हालचाल है, क्या चीज़ प्रॉब्लम है, क्या चीज़ अच्छा है, उसके लिए मैंने ईटानगर से मैं आया है। अभी 3 दिन हो गया, कम्प्लीटली 3 दिन है ये सर्वे है। यहाँ पे मेरे होश घर है, यहाँ जहाँ पे मुझे सोने के लिए जगह दे रहा है, रहने के लिए है, खाना पीना है, फ्री है। यहाँ पे होश घर का ये है बागन है, ये कोरिएंडर या किचन गार्डन यानी कि। और ऐसे यहाँ पे आदि कम्युनिटी होते हैं, यहाँ पे रहते हैं आदि कम्युनिटी लोग, सब भी यहाँ पे आदि कम्युनिटी। एक बात ये है कि ये लोग यहाँ पे विलेज में मिलके सब सेम टाइटल नहीं रहते हैं, अलग अलग टाइटल, जैसे कि लाइक जोमो जामो हो गया, मेजे हो गया। इसके बाद घर को गेट मैंने बंद कर देता हूँ। तो ये है, वो सब मिल के रहता है, बहुत सारे सितंग टाइटल होते हैं। तो ये मेरे होश घर के गेट के सामने सुंदर वाला फूल ब्लॉसम हो रहा है यहाँ पे सुंदर से, एकदम नीट एंड क्लीन रहते हैं सराउंडिंग। यहाँ पे अपना कंपाउंड, इसका कंपाउंड अपना अपना, यहाँ पे एक घर में तोको पटा से है, उसको तोको पटा बोलते हैं, तो उससे बनाते हैं। यहाँ पे लकड़ी स्टोरेज करते हैं, सुंदर सा दिखाऊंगा आप लोग को यहाँ कि ये है फूल फ्लोर, इतना सुंदर से रखा है, एकदम बस्ती जैसे, लाइक बस्ती बोलने का लायक नहीं है, सुंदर है। यहाँ पे वो स्टैंडर्ड वे से रहते हैं, और यहाँ ये जो होस्ट घर का ये है ट्रेडिशनल वे घर, और व्हीकल्स जो ऐसे सामने आ जाते हैं। यहाँ पे लाइट इलेक्ट्रिसिटी बोलिन से आते हैं, यहाँ कैसे स्लीपर को रखते हैं, ये सब का एकदम नीट एंड क्लीन। यहाँ सीढ़ी है, स्नैक प्लान, यहाँ पे मेहमान आने से या तो ऐसे दिन, ये जो बरंडा है, यहाँ लाइट इतना बड़ा से है, ये वो लोग का फोटो फ्रेम इतना सुंदर से रखा है एकदम। तो ये है, मैं कुछ मैं सर्वे करके आया है, आ गया विलेज सर्वे करके थोड़ा आया है। तो अभी यह होश घर के तो मदर घुस रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैं सोता हूँ, यहाँ मुझे सोने के लिए यहाँ जगह दी है, बहुत अच्छा है, एकदम फ्रेंडली हॉस्पिटलिटी क्या बोलेगा, अच्छा है, इतना अच्छा। मैं स्लीपिंग बैग देखिए, बैग लाया था, कपड़ा बहुत सारा लाया था, काम नहीं आया, यहाँ पे ही पूरा कपड़ा प्रोवाइड किया है, इतना मज़ा से सुंदर से। और ये यहाँ पे लोकल चूल्हा, यहाँ पे बहुत सुंदर है, मेरा होश घर का है। तो बहुत सुंदर, दीदी और ये भैया दोनों इतना सुंदर से रखा है घर को, उल्टा टाउन से भी सुंदर है, किचन है ये लोग का, तो वहाँ फ्रिज है, लाइट भी इतना जल्द यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया, घर जो एकदम ट्रेडिशनल वे में बैठा है, ये लोग इतना अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे है कुछ दिखाएगा सरप्राइज, यहाँ पे है ये है चिकन का बच्चा, ये लोग को क्यों अंदर में रखा है बोलने से, पानी सानी ये लाइट क्यों गर्म किया है बोलने से, यहाँ पे क्यों ये दिया है बोलने से, वो है बाहर में तंडा होता है इसका, मान लोग जो केयर नहीं करता है, लोकल है ये जो, लोकल है पूरा, लोग नज़र ऐसे है। विलेज को एक बार आप लोग को मैं दिखाऊंगा बाद में, ये फिर से पानी जल जीवन मिशन मोदी सरकार का,
और वहाँ पे शौचालय बाथरूम का ये एकदम नीट एंड क्लीन था, अच्छा है। और ये कंपाउंड आधा यानी किचन गार्डन है, वहाँ ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है लोकल ये क्या चिकन रहने जगह। लकड़ी ये है लोग जो वुड कलेक्शन देखो इतना तगड़ा, हर घर में लकड़ी का कमी है नहीं, हर घर में लेके रखते हैं। और यहाँ से ये पीछे दरवाजे से आते हैं बाथरूम जाने जगह है। अच्छा मेरे का यहाँ पे भी नेट से किचन गार्डन बना के रखा है, ये बाउंड्री है उस तरफ वाला ऊपर वाला घर का है। ठीक है यहाँ पे ये भैया दीदी दोनों ने लकड़ी जमा करके रखा है, इतना सारा लकड़ी फॉरेस्ट को तगड़ा से कटिंग करते हैं, पर भी ये लोग यहाँ फॉरेस्ट एरिया को ओवर है, ज़्यादा एग्रीकल्चर पे हैंड टू माउथ वाला है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है यहाँ में, और किसी को यहाँ सेल नहीं एक्सपोर्ट नहीं करता है यहाँ से, ये लोग काता है हैंड टू माउथ वाला है, नहीं खरीदता है दूसरा से चावल और वो से अपना लोकल। ये घर पुराना हो गया होगा थोड़ा, नया बनाने वाला भी है, ऐसे रखा जाता है। बर्तन है यहाँ में एक वो है, ये लोग का ट्रेडिशनल मुर्गी को ऐसे रखता है, दिन भर रखने से भी कुछ नहीं, मुर्गी लोग भी चुपचाप हला भी नहीं करते थे, यहाँ कुलने से ढक्कन जो कुलने से निकल जाएगा। तो वहाँ में भी मुर्गी मुर्गी भी बहुत सारा पल के रखा है। ये है डक चाइनीस हाउस, और ये एक सोर भी बहुत ज़्यादा पाला है गौरी पिक जो, उसका ये दाना के लिए कुछ जंगली कुछ जंगल का कुछ पता, तो उसको डायरेक्ट ये लोग उकरते हैं रूट का साथ उकरते हैं, तो रूट को उकरने से कहाँ से और निकल देगा पर भी ऐसे ही सब बस्ती वाले। ये जा फुल यहाँ वो फ्लावर ये दिख रहा है आगे जहाँ से मैं आया हूँ वही। तो आज के लिए इतना है, आप लोग को इतना दिखा है विलेज का है, वो भी एक घर है, तो व्यू मैं दिखाऊंगा थोड़े दो तीन दिन के बाद, मुझे रहना है यहाँ 7 दिन, पर अभी 4 दिन बचा है, 3 दिन कंप्लीट होने वाला है, अभी 3 दिन आज कंप्लीट हो जाएगा, 3 डेज कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना मेरे से बने रही है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।